खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल किला गेट रोड ग्वालियर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वार्ड 7 में पार्षद प्रत्याशी को लेकर एवं स्थानीय लोगों की परेशानियों को जानने के लिए एमपी टुडे की टीम पहुंची, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा और जाना। आपको बता दें, वार्ड 7 के लोगों से जब चर्चा की गई तो स्थानीय लोगों ने बताया, हमारे यहां चारों तरफ गंदगी फैली रहती है। जहां से पीने का पानी भरते वहां भी आप गंदगी देख सकते हैं। मोहल्ले की सड़क भी कई सालों से नहीं बनी है, जिससे कई जगह गड्ढे हो गए हैं। सड़क भी उबड़ खाबड़ पड़ी हुई है, नालियाँ खुली पड़ी है, लाइट के खंभों में स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी हुई है। रात में गलियों में अंधेरा पड़ा रहता है। जब से चुनाव हुए हैं पार्षद मिलने भी नहीं आता। ऐसी कई परेशानियां हमको देखने को मिली। एक महिला अख्तरी बाई से चर्चा करने पर पता चला कि उनके पति का देहांत हो गया और कमाने वाला भी कोई नहीं है। मजदूरी कर परिवार के 5 लोगों का पेट पालती हैं। राशन भी एक ही जन का मिलता है। परिवार के अन्य लोगों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा। वहीं दूसरी महिला नगीना बाई के घर का हाल देख रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने बताया कि प्रशासन से भी कोई मदद नहीं हो रही। एक बुजुर्ग जिनका कोई नहीं, उन्होंने बताया कि वृद्ध पेंशन भी नहीं मिलती। ऐसी कई समस्याएं वार्ड 7 में जानी। आपको परेशानी का यही है, रोड डलिए खुद ही बताइए आज हैं, और बिल बिल आ रहा हो बहुत, लाट को नल को बिल बहुत कर रहे हैं जी भाई। हाँ जी, परेशानी आ रही है और कहा है पानी तो सही चल रहा, सही आ रहा हो तो अरे तो पानी आ रहा हो सही। गंदगी वगैरह रहती है आप पहले सफाई को कब है याद को ना होती है, ये रोड की जगह ऐसी चल रही है। अरे बहुत दिन दिन आए जा मिले ये कोई ना आ रहे हैं, कोई पार्सल ना आ रहा हो यहाँ। गंभीर सिंह तोमर। कौन सा वार्ड है जी? 7 नंबर। क्या परेशानी रहती है आपको? परेशानी ऐसा ये कि एक तो यहाँ आते नहीं है पार्षद वगैरह कोई, चाहे कोई बनाए दे। कौन है पार्षद? अभी तो वो दयाराम है, दयाराम। वार्ड नंबर 7। और ये मतलब गंदगी वगैरह किस तरीके की? क्या गंदगी है ये देखो, ये हालत है क्या है रही है रोड, गंदगी तो है ही और क्या है। अच्छा, क्या क्या परेशानी रहती है बाकी आपकी? देखो यहाँ एक तो रोड ही ठीक नहीं है, नाली ऐसी डली है, ये परेशानी और क्या है। पानी की? पानी तो ठीक आता है। नहीं, बाकी पार्षद ने कभी 5 सालों में मदद करी क्या? कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। क्या परेशानी रहती है? परेशानी यही है, धंधा पानी नहीं है बेला, कुछ है, कोई कमाने वाला नहीं है हमारा। मैं बताऊँ समझे, अकेले हैं, डुकड़िया हमारी बस, बच्चा कोई है नहीं बेटा। सरकार से पेंशन वगैरह कुछ? कुछ नहीं हो रही, सब कुछ जाते हैं भगा देते हैं बताऊँ आपको। अच्छा, कौन भगा देता? समझे, मैं जाते हैं बैंक में, कहते जाओ जलाओ करवा के बुलाओ करवा के, क्या करूँ बेटा, अनपढ़ आदमी है, कोई सुनवाई करता नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आधार कार्ड वगैरह है हमारे पास में वैसे तो। हाँ, आधार कार्ड वगैरह? अच्छा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड? राशन कार्ड नहीं है बेटा, राशन कार्ड नहीं, बना ही नहीं है शुरू से ही बेटा, बाहर से सुनते ही नहीं है बेटा। देखो बेटा, सुनते ही नहीं है भाई बेटा, मैं बताऊँ तुमको बस। क्या परेशानी रहती है? परेशानी चाहिए साहब, सड़क देख लो यूँ डरी, कोई सफाई नहीं है, और खुद गए तो डरी पड़ी है, और कचरा मचरा यूँ सब फैला पड़ा है, नाली पड़ी खुली पड़ी है, तो कोई आते नहीं देखने, पार्षद आते नहीं है यहाँ देखने। पानी तो सही आता है, पानी सही आ रहा है, पानी ओके, बस यही परेशानी है, सड़कें बड़क हैं, रोड तो बनी ही नहीं है जब से, खुद गई समझ लो हो गए 10-15 साल है, और क्या कुछ नहीं चलती, डरी है, कोई देखने नहीं आता, कौन आए, अंधेरा पड़ा रहता है, और क्या, जब चलेगी नहीं तो अंधेरा पड़ा, देखो आप खराब पड़ी है सर लाइट। अरे पार्षद, हम कुछ कहने जाए उससे तो हाल सुनवाई हुए, देखने आए, देखने तक नहीं आते वो। हाँ, आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं, आ रहे हैं, चलो बस। परेशानी जी है कि वो चैम्बर भरे हैं बस, और कोई परेशानी नहीं, चैम्बर भर जाते हैं, फिर निकालने नहीं आते, बड़े दिन में आते हैं, और यही परेशानी है, और कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए बस। पार्षद कभी तब तक जीता है तब से अभी तक नहीं आया। हाँ, वो तो धीरू भाई हैं तो वो आ जाते हैं, वो हमारा काम करवा देते हैं, प्रतिबंध तोमर जी के पिए हैं, वो आ जाते हैं, वो हमारा काम करवा देते हैं, वही काम करवाते हैं जितना करवाते हैं जितना। वार्ड नंबर 7।
ये तो बिजली की लाइन बंद पड़ी है 5-6 साल से, लड़का चिपक गया था, लेकिन 4 दरख्वास्तें दे चुके हैं प्रदुम सिंह तोमर को, लेकिन लाइन नहीं हटवाई जा रही। अच्छा, कौन सी लाइन है? जो 14 KV की है ऊपर हैवी लाइन, जो गली में मकानों के ऊपर से निकली है, केवल 3 खम्भे निकलना है, 3 खम्भों की लाइन नहीं हटा रहा है, जबकि लाइन नीचे पड़ गई है तो हटाना चाहिए, नहीं हटा रहे हैं। और समस्या है, मेरी गली में कभी सफाई नहीं होती, ना कोई नाली साफ करने आता कभी भी आज तक। राशन कार्ड तो पुराने थे तो बंद हो गए। ये परेशानी हमारी, कोई पेन से सुनवाई नहीं कर रहा, हमें 8-7 साल है वहीं फिरत फिरत, कोई जहाँ से जाइए हमें भगा देते हैं। और यही पास जका नाम वहाँ जाओ नगर निगम में, हाँ नगर निगम में जाओ तो वो कोई सुनवाई नहीं करता, कोई हमारी कैसी ये परेशानी है। और हमारी पेंसिल बनवा दो, और हमें जो है कि हमारी मजूरी कछु नहीं है, मजूरी कहाँ करें हम। कैसा पार्षद चाहती हो आप चुनाव को लेकर? पार्षद हमसे जगह हमारा काम करा दे करे, बस जो कुछ हम के करें, हाँ हमारी कोई सुनवाई ना पार्षद करे ना कोई करे। किसको, किस पार्टी को वोट दोगी इस बार अगर चुनाव आते हैं? और जो हमारा काम करा वो भाई के देंगे हम तो। हाँ हमारे नाली है जो बहुत परेशान है, इससे हम नाली से सब लोगों से कहा है हमने कि नाली हमारी बनवा दो इनसे, क्या नाम है, क्या नाम किसे कहा है? दयाराम पाल जी से। अच्छा, हाँ यहाँ के पार्षद हैं हमारे यहाँ 7 नंबर वार्ड के, इनसे कहा तो कहते करवा देंगे, अभी तक कोई नाली नहीं हमारे इसके नाली को नहीं करवा पाई उन्होंने, नहीं करवा पाई, ऐसे ही पूरी खुली पड़ी है, सारी गंदगी फैलती है और बहुत ज़्यादा कचरा, देखो आप इस तरीके से कचरा वगैरह सब कुछ है इसमें। अमृत योजना वाली लाइन पड़ी तो इस तरीके से गड्ढे गड्ढे करके चले गए, हम इससे परेशान हैं, पानी भर जाता है यहाँ पर पूरी सड़क पर। हम पे जी परेशानी है कि काम धंधा कुछ है नहीं है, आदमी खत्म हुआ जब से, ना कोई पेंसिल है ना कुछ है, बाट में जाते हैं तो भगा देते हैं। दिखा दिया जो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी पेंसिल बन जाएगी और कोई सुनवाई नहीं है भैया, बहुत दिन हो गए जाते जाते। हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं थे, चौका वासन करते थे, अभी नहीं, कब जा नहीं रहे अभी। हाँ उसमें भी एक जने का ही राशन मिल जाए बस, अब कल आधार कार्ड लगा के आए, बहुत बार लगाइया है आधार कार्ड, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे बाट ऑफिस में। हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं बस। हाँ 5 लोगों के कम से कम 20 बार राशन वो दिया है, आधार कार्ड जमा करिया है बाट ऑफिस में। और कल तो हम गए थे तो हमने यही बोला था मैडम से, हमने कही कितनी बार जमा करें हम, तो बोले आपके हमारे हाथ की बस की बात नहीं है, बस यही परेशानी ये है कि मेरी बरसात ऐसे ही कटती है, मेरा घर ऐसे ही डला है। मैंने कलेक्टर साहब के पास भी गई थी, उनने पर्ची आज कैसा हो गई, मेरी पार्ट और टूटी, मेरी फोटो दे आई सब कर आई कलेक्ट्रेट में, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई मेरी सुनने आया अभी तक। खाना बना रही थी तो मैं थी नहीं, स्टोव जलाया होगा, ऐसे हिलाया तो तेल गिर गया, तो छप्पर में लगी तो लगी, इसमें भी लग गई। नगर निगम में जाती हूँ, गई अब फिर आना, कल भी मैं गई थी, मेरा नाम काट दिया राशन कार्ड में से, अम्मा सर्वे नहीं आ रहा जाओ, और कोई दुर्घटना हो गई तो मैं किससे क्या कहूँगी, मेरे सारे उसमें नीम के नीचे बैठ कर काट रही हूँ, और दब गए तो कोई मेरा साथ कौन जिम्मेदार बनेगा, मेरा कोई जिम्मेदार बनेगा, मेरा कोई भी नहीं है ऐसा जो मुझे सारा ये है कि मोहल्ले से मेरी इतनी मदद है, सो भाई पानी में बस बैठा लें, जहाँ बैठ जा पन्नी दे देंगे, तिरपाल दे देंगे, मोहल्ले वाले सब कर देते हैं, पर वो कुछ नहीं देता मुझे कोई भी। परेशानी ये है कि नल में पानी वानी नहीं आता, कल भी गए जी 2 महीने से परेशान है गए थे जी, और यहाँ कोई सुविधा नहीं है, सब जो गंदगियाँ पड़ी रहती हैं और गंदा पानी आता है, उसका क्या नाम गटर का पानी आता है, हाँ बहुत बहुत बड़ी मतलब उलझन में यहाँ परेशानी है सबसे ज़्यादा जो है। और ये अभी वर्तमान में तो वो दयाराम पाल है, अभी तो जो है भगवान दास भी रहता है यहाँ पार्षद, इसके बाद पहले वो हेतराम भी रहता जो है, और इसके पहले गए थे जो महेश शर्मा भी रहा था जो है यहाँ जो पार्षद, तो जो अभी तो बिचत में यही रहे हुए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ जो है बहुत बड़ी मजबूरी। जी जी पार्षद कभी नहीं आता कोई, हमने पास की शक्ल भी नहीं देखी है, कभी गए होंगे तो वो पानी ले नकार के, गर्मी भीषण गर्मी में मतलब कभी आया ही नहीं है कि नली फूट रही है, कि चौक हो रही है, क्या हो रहा है, और नलियां मौका देखे जाए तो नलियां सब चौक हो रही हैं, हाँ बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी यहाँ, जीना दुर्बल हो रहा है जो, हाँ और क्या क्या बताएं, बहुत समस्या है। हम पार्षद ऐसे ही कुछ विकास होना चाहिए, कहते जो
अब विकास नाम तो यहाँ धज्जियाँ उड़ रही हैं, कुछ नहीं है। आज किसको वोट देंगे आपको जो चुनाव आएगा? अब चुनाव आए तो हम तो बीजेपी को ही देते आए हैं, बीजेपी को देंगे। क्या परेशानी है? राशन नहीं है ना, गरीबी रेखा कार्ड है, कोई राशन नहीं मिलता है। और राशन ये सफ़ेद कार्ड खा था वो भी रद्द कर दिया है, और ये पीला वाला लीला वाला बना वो बना नहीं रहे हैं। आज 5-6 साल हो गए कोई राशन नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है, मजदूरी करते हैं। हाँ, खम्भों पर लाइट अंधेरा पड़ा रहता है, कभी आ जाती है कभी नहीं आ जाती। एक खम्भा है हमारे दरवाजे लगा है, करंट आता है, खम्भा टूटा हुआ रखा है, कोई दुर्घटना का ग्रस्त हो सकता है, गिर जाए आंधी फांदी में। ०२१ का महासंग्राम। नगरीय निकाय को लेकर प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत, किसकी होगी जीत किसकी होगी हार, क्षेत्रीय जनता करेगी तय। अगर आप भी बताना चाहते हैं अपने वार्ड का हाल तो हमसे इस नंबर पर संपर्क करें 9907824554।